हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी, इस नुस्खे के जरिए आप अपने बालों की हेयर ग्रोथ को तेजी से बढ़ा सकते हैं। आज के इस नुस्खे को बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक ओनियन का। आपको भी इस तरह से एक ओनियन लेना है। अगर आप भी प्याज के रस को अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके बालों की कई तरह की बीमारियों का इलाज करेगा, जैसे कि आपके बाल तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके बालों का विकास नहीं हो रहा है, आपके बालों में स्केल्प को पोषण नहीं मिल रहा है, और इसके साथ ही प्याज के रस में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इस कारण से स्केल्प में होने वाले बैक्टीरिया यानी संक्रमण को तेजी से खत्म कर देता है, जिससे बालों का झड़ना रुक जाता है, और इसमें प्रचुर मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है जो स्केल्प में ब्लड सर्कुलेशन को तेजी से बढ़ा देता है, जिसके कारण आपके बाल तेजी से घने होने लग जाते हैं। इसके अलावा भी सल्फर में कुछ ऐसे घटक पाए जाते हैं जो बालों को तेजी से प्रोटीन देने का काम करता है, और प्याज के रस को बालों में लगाने से आपके बाल बहुत तेजी से लंबे, काले, घने होते हैं। इसके अलावा भी प्याज में बहुत से ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके बालों को तेजी से घना करने का कार्य करते हैं। आपको यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज लेना है। इसके बाद आप इसके छिलके को उतार लीजिए और इसको कद्दूकस कर लीजिएगा। इस तरह से आपको एक प्याज को कद्दूकस कर लेना होगा। अब आपको लेना है एक क्लीन बाउल और आपको चाय छलनी की सहायता से इसके रस को निकाल लेना होगा। देखिए गाइस, बहुत ही आसानी से इसका रस निकल गया है। इस तरह से आपको इसके रस को निकाल लेना होगा। इसके बाद हमें लेना होगा नारियल तेल यानी कि कोकोनट ऑयल। नारियल तेल हमारे बालों को तेजी से बढ़ाने का कार्य करता है, हमारे बालों को घना करता है। नारियल तेल में पाए जाने एसेंशियल फैटी एसिड जो बालों को जड़ से मजबूती देता है, बालों में विटामिन बनाने का कार्य करता है, बालों के आसपास जमे सभी बैक्टीरिया को जड़ से खत्म कर देता है, बालों को हेल्दी और बालों की हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, और आपके बालों को हमेशा स्वस्थ रखने का भी कार्य करता है। आपको इसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड करना होगा। इस तरह से आप इसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड कर दीजिए और इसे मिक्स कीजिए। साथ ही अगर आप इन दोनों को मिलाकर अपने बालों में लगाएंगे तो आपके बाल जड़ से घने होंगे, आपके बाल तेजी से बढ़ेंगे और आपके बालों में चमक भी आएगी। जब भी आप प्याज के रस में नारियल तेल को ऐड करेंगे तो आपको कोकोनट ऑयल को हल्का गर्म कर लेना होगा। उसके बाद आप हल्के गर्म कोकोनट ऑयल को इस रस में ऐड कीजिए और अपने बालों की जड़ों में मसाज कीजिएगा। कुछ घंटों तक आप इस रस को अपने बालों की जड़ों में लगा रहने दें। उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। और दोस्तों, जब भी आप इस नुस्खे को अपने बालों में लगाएंगे तो आप इस पेस्ट को हमेशा फ्रेश ही बनाकर लगाइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स प्याज के रस में सल्फर पाया जाता है। अगर आप इस पेस्ट को बनाकर रखेंगे तो इसमें तेजी से सड़न
आ जाएगी। तो जब भी आप अपने बालों में इसे अप्लाई करेंगे तो मात्र 2 मिनट लगेंगे। इस पेस्ट को बनाकर अपने बालों में लगाइए, आपके बालों की हेयर ग्रोथ को तेजी से बढ़ाएगा, बालों को तेजी से घना करेगा और बालों की सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा। तो गाइस ये था आज का मेरा वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए भी मुझे जरूर बताइएगा। तो गाइस अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।